आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है यूपी के सहारनपुर गंगोह से। गंगोह विधानसभा विधायक किरत सिंह ने अपने क्षेत्र में ग्राम दुधला मोहम्मदपुर गुर्जर व बांसदेई में आरसीसी सड़कों का फीता काटकर शुभारंभ किया। सहारनपुर जनपद के गंगोह विधानसभा विधायक किरत सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गंगोह विधानसभा से हाईवे का काम जोर शोर से चल रहा है, इसका लाभ आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बिना भेदभाव के सरकार बनवा रही है, बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने दुधला बांसदेई एवं मोहम्मदपुर गुर्जर में नवनिर्मित सीसी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक किरत सिंह जी के साथ जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, चेयरमैन नवाब सिंह, देवराज चौधरी, तरुण राणा, राम गोपाल, नरेश सैनी, प्रेमचंद्र सैनी, रविंद्र चौहान, वीरसेन कश्यप, राधेश्याम सैनी, राम कुमार कश्यप, प्रधान आशीष त्यागी, प्रिंस बरसी, नवीन शकरपुर, अजय ढाईकी, रिंकू बड़गांव, अमित उम्मीदगढ़, गुरमित परवेश आदि मौजूद रहे। त्रिथ चौधरी की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम आदरणीय राम गोपाल जी, आदरणीय नरेश जी ने आयोजित किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इसका बढ़िया कार्यक्रम ऐसे ही आयोजित करते रहे, बहुत सबकी करते रहे। क्या बात है, घूमो गिर के एक बहुत छोटी सी सड़क उद्घाटन का कार्यक्रम है और मैं सभी गांव वासियों को, सभी सम्मानित क्षेत्र वासियों को, साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ प्रकाश जी, इसके साथ साथ ये नहीं है कि ये सड़क आज राम गोपाल जी ने बताई कि बन गई, और भी कोई काम होगा गाँव में उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है आपका सबका सम्मान करना, आप सभी का सम्मान करना और क्षेत्र का विकास करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे 24 घंटे आपकी सेवा में रहकर उसे पूरा करने का काम करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नाथीराम जी छूट गया था, देखो नाथीराम जी नाराज हो रहा होगा, अब मेरा नाम फिर जोड़ दिया, तो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, मैं सबका ये सम्मान करता हूँ। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय प्रेमचंद जी ने, आदरणीय मुकेश जी ने, आदरणीय राधेश्याम जी ने कुछ पार्टी के बारे में बात बताई, सरकार के बारे में बात बताई, मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं, केवल याद करने की जरूरत है। अजीत जी, 2014 से पहले जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो यहाँ का जो माहौल था, जहां आज बैठे इस क्षेत्र का, वो याद करो 2014 से पहले, अब तक 10 वर्ष पहले, भाई याद करके देख लियो, अब से 10 वर्ष पहले, अब अक्टूबर का महीना है ना, तो अगस्त सितंबर 2014 से पहले का वाला अगस्त सितंबर याद कर लो, जब बड़े भारी कच्चाधारी बनियानधारी देश सरिये वाले थे, उनका नाम भूल गए ना, याद है भी, बरसात के महीने में कच्चे वाले सरिये वाले आगरे थे ना, वो तब आगरे थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थी, अब से 10 साल पहले। और यहाँ मोहम्मदपुर हमारा सहारनपुर से इंटीरियर गांव है, रात में 9 बजे, अब से 10 वर्ष पहले मोहम्मदपुर से अगर सहारनपुर जाना हो तो एक तैयारी करनी पड़ेगी किसी डॉक्टर के जाने के लिए, भाई तो भी चला गया, 2-3 आदमी लेकर जाते, क्यों राम गोपाल जी थी नहीं स्थिति, भाई खतरा था, यहाँ से तीतरों तक खतरा था, तीतरों से नोते तक, नोते तक के पता नहीं कहा भाई चुनेटी खटकाटी कहा क्या ड्रामा हो जाए ना, ऐसा अब तो नहीं ऐसा है, देखे कोई चाहे कहो जाओ बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर कहीं होगा तो 1-2% कोई घटना हो सकती है किस वजह से हो जाए, मगर उस पर भी संज्ञान ले जाता है, तुरंत कार्रवाई हो। तो ये खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।